क्या विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का जन्म ऑलरेडी हो चुका है, या यह दुनिया सच में 2025 में खत्म होने वाली है? आखिर क्या होने वाला है 2025 के बाद, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग दुनिया के चक्र का एक हिस्सा है, जिसमें अधर्म और पाप का प्रभाव ज्यादा होता है। कलयुग के अंत के बारे में अलग अलग ग्रंथों में मूल्यांकन किए गए हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलता है, जबकि कुछ के अनुसार यह 1,200 वर्षों तक का ही होता है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या 2025 तक हम कलयुग के अंत को देखने के लिए तैयार हो सकते हैं, और क्या 2025 में कलयुग सच में खत्म होने वाला है? वेलकम टू यूट्यूब पेज ऑफ गॉड्स ऑफ इंडिया। आज है डे 6th ऑफ 90 डेज 90 मिस्ट्रीज अबाउट सनातन। आज जानते हैं कलयुग के अंत के बारे में। कलयुग को डार्क एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में लोग भगवान से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। हिंदू धर्म में नीति यानी कि धर्म को सिंबॉलिकली एक बुल यानी कि बैल से रिप्रेजेंट किया गया है। सतयुग में उस बुल के 4 पैर होते हैं, लेकिन हर युग के साथ उस बुल का एक एक पैर कम होता चला जाता है। कलयुग में इस बुल का केवल एक ही पैर बचा है, पर आप सोच रहे होंगे कि कलयुग का वन लेगेड बुल और 2025 का क्या कनेक्शन है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि बुल के इसी आखिरी पैर के साथ कलयुग का अंत जुड़ा हुआ है। तो जब कलयुग खत्म होगा तो इस बुल को अपना पुराना स्वरूप वापस मिल जाएगा। अब अगर हमें कलयुग के अंत को समझना है तो उससे पहले हमें उसकी टाइमलाइन को जानना पड़ेगा। महाभारत में हनुमान जी ने पांडव भीम को युग साइकिल की एक रोचक कहानी सुनाई थी। हनुमान जी ने कहा था कि सतयुग का नाम इसलिए था क्योंकि उस युग में एक ही धर्म था और सभी लोग पवित्र थे। इस युग में धार्मिक अनुष्ठान करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। सतयुग में ना तो कोई बीमारी थी, ना ही नफरत अहंकार, कोई बुरा विचार, कोई दुख और कोई भय भी नहीं था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में प्रारंभ हुआ यज्ञ का और दुनिया की आत्मा लाल रंग में रंगने लगी। नीति का एक चतुर्था हिस्सा भी कम हो गया, मतलब कि अब सिर्फ 3 पैर बचे थे। मानवता ने सत्य को खोजने की कोशिश करी और धार्मिक अनुष्ठान शुरू करे। लोग तप और बलि से अपनी इच्छाएं पूरी करते थे। त्रेता युग के बाद शुरुआत हुई द्वापर युग की, जिसमें दुनिया की आत्मा पीले रंग में रंग गई। नीति का आधा चतुर्था ये हिस्सा कम हो चुका था। द्वापर युग में वेदों को 4 अंशों में विभाजित किया गया। कुछ लोग 4 वेदों को जानते थे तो कुछ लोगों को उनका ज्ञान कम था। लोगों के मन की शक्ति कम हुई, सत्य की कमी हुई और इच्छाएं, बीमारियां और आपदाएं आने लगी। पर अभी भी आप सोच रहे होंगे कि युग साइकिल की इस टाइमलाइन का कलयुग के साथ क्या कनेक्शन है। कलयुग उन सभी युगों का अंत है जिनमें धर्म का चतुर्था हिस्सा बचा है, और हनुमान जी के वर्णन से हम समझ सकते हैं कि कलयुग में नीति का एक पैर अभी भी बचा हुआ है, जो कि गोल्डन एज यानी कि सोने के युग के आरंभ के साथ फिर से पूरा होगा। कलयुग के प्रारंभ और अंत की तिथियां इस युग के गुणों का विस्तार करने वाले भी विचार विमर्श करते हैं, लेकिन कलयुग की शुरुआत और अंत की तिथियां अभी तक गहरे अंधेरे में लिपटी हुई हैं। कलयुग के प्रारंभ की डेट पॉपुलर 3102 बीसी मानी जाती है। महाभारत के महासंग्राम के लगभग 35 साल बाद यह डेट मायन कैलेंडर की ग्रेट साइकिल की शुरुआत, जिसकी प्रपोज डेट 3114 बीसी के करीब की है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इन दोनों के बीच भी कोई गहरा राज छुपा हुआ है? इसके अलावा माना यह भी जाता है कि आर्यभट्ट ने कलयुग की शुरुआत की डेट सूर्य सिद्धांत नामक संस्कृत एस्ट्रोनॉमिकली ट्रीटीज के आधार पर निकाली थी। इसके अनुसार कलयुग की स्टार्टिंग में मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यह 5 प्लेनेट एरीज राशि के 0 डिग्रीज में एक साथ एकत्रित हो गए थे। आर्यभट्ट ने इसी आधार पर 177 एथ और 18 एथ फरवरी 3102 बीसी को कलयुग का प्रारंभ तिथि के रूप में निर्धारित कर दिया था। परंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार, जैसे कि महाभारत और मनुस्मृति, युग साइकिल की असली अवधि को 12,000 साल के रूप में ही माना जाता है। युक्तेश्वर जी ने अपनी किताब द होली साइंस 18940 भी साफ किया था कि पूरा युग साइकिल 24,000 ईयर्स का होता है, जिसमें एक असेंडिंग साइकिल 12,000 साल का होता है, जिसमें सद्गुण होता धीरे धीरे बढ़ता है, और एक डिसेंडिंग साइकिल दूसरे 12,000 साल का होता है, जिसमें सद्गुण होता धीरे धीरे घटता है। इसीलिए जब हम सतयुग से कलयुग के 12,000 साल के डिसेंडिंग साइकिल को पूरा करते हैं, तब यह सीक्वेंस अपने आप को रिवर्स करता है और कलयुग से सतयुग के 12,000 साल के असेंडिंग साइकिल का आरंभ होता है। दुनिया के अलग अलग किस्सों में युग साइकिल की ड्यूरेशन के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, पर यहां पे एक चीज कॉमन देखी जाती है कि हर युग साइकिल की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब अगर हम बात करें एक ऐसे ग्रंथ की जिसकी भविष्यवाणियां आज तक सच होती आई है, और उस ग्रंथ के अनुसार कलयुग का अंत 2025 में होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप लोगों के इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, वीडियो अच्छा लग तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।